विश्व के कोने कोने से आज के इस सुंदर सत्र में जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों का, ब्राह्मण कुलभूषणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे लग रहा था कि केवल पूर्व और पश्चिम का संगम हो रहा है आज, एक जगह सूर्योदय का समय और दूसरी जगह सूर्यास्त का, लेकिन केवल पूर्व और पश्चिम ही नहीं, लेकिन अन्य अनेक देश भी आज जुड़े हुए हैं, वहां के भाई बहने जुड़े हुए हैं, क्योंकि विषय ही इतना सुंदर है। जैसे ही हम ब्राह्मण बने, साप्ताहिक कोर्स किया, हम सबको योगी जीवन के, ब्राह्मण जीवन के चार स्तंभ बताए गए, जिनमें प्रथम ब्रह्मचर्य था। पवित्रता को बाबा सर्वोपरि रखते हैं, ये कहते हैं कि पवित्रता ही तुम्हारी रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है, और यही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। तुम्हारे पूरे 21 जन्म ही नहीं, लेकिन पूरे कल्प के प्राप्तियों का आधार है, सुंदर गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों का आधार है। न केवल बाबा, लेकिन शास्त्रों पुराणों में भी यदि आप देखें तो ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत ही सुंदर शब्दों में की गई है। तो ये पवित्रता रूपी जो पारस मणि है, जो हमें इतनी प्राप्तियां कराने वाली है, कैसे इसे अपने जीवन में हम सहज और सरल रूप से धारण करें, क्योंकि कई बार चलते चलते एक उतार चढ़ाव की स्थिति हमें मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, होने शुरू होती है। एक यात्रा है, साधना का ये सुंदर पथ है, जिसमें हमें इसे बहुत गहराई से धारण करना है, हम सब जानते हैं। तो आज एक सुंदर विषय कि आए हम इस सुंदर विषय पर, ब्रह्मचर्य के विषय पर, इसके जो ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना भी नितांत आवश्यक है, और जिन्हें जानकर हम अपने जीवन में सहज रूप से इसकी पालना कर सकते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय भ्राता जी, जो कि बाल्यकाल से ही साधना और पवित्रता के पथ पर अग्रसर हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ही एक प्रयोगशाला बनाया तप के लिए, पवित्रता के लिए, तो आपके पास जो गुह्यतम इसके अनुभव हैं, व्यावहारिक जो अनुभव हैं, जो हम सबकी मदद करने वाले हैं इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए, ऐसे आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबके सम्मुख। तो आप सबने जो प्रश्न प्रेषित किए अपने मन में उठने वाले, उनकी ओर मैं आऊं, उससे पूर्व मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भ्राता जी से कि आज विश्व भर के ब्राह्मण कुलभूषण जो जुड़े हुए हैं, पवित्रता रूपी पारस मणि पर आप अपने अनुभव युक्त प्रकाश डालें, पश्चात हम प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख आएंगे। भ्राता जी, ओम शांति। प्योरिटी मनुष्य की सबसे बड़ी ब्यूटी है, और यही सबसे बड़ी पर्सनालिटी भी है। और मैं अपने बहुत सारे अनुभवों से कहूंगा कि ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भी है, मनुष्य को प्रोस्परस बनाती है, उसकी एकाग्रता को बहुत बढ़ा देती है, उसके मनोबल में वृद्धि करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। स्वयं भगवान ने आकर प्योरिटी का मार्ग दिखाया। देखो, इस सृष्टि का आधार भी प्योरिटी है, प्रकृति की इनर स्ट्रेंथ भी प्योरिटी है, सतयुग में, त्रेता में देवी देवताओं की प्योरिटी, द्वापर से भी संसार में बहुत लोग प्योर होते थे, अन्य धर्मों में भी उनके धर्म पिता, उनके मुख्य लीडर्स सब पवित्र होते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि तब ये बहुत इजी था। मैंने देखा, पारसी धर्म है, उसमें कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फ्री हैं वो लोग और बहुत करते हैं। हिंदू धर्म में सन्यास प्रारंभ हुआ और हजारों लाखों सन्यासी पवित्रता का पालन करने लगे,
क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के साधना संभव नहीं होती है। इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारे ब्रेन को एम्पावर करती है, डिविनाइज करती है, कैपेबल बनाती है, ताकि हम एकाग्र हो सके। तो पूरा कल्प प्योरिटी आधार रहा इस सृष्टि का, और जब प्योरिटी खत्म हो गई तब भगवान ने आकर प्योरिटी एस्टेब्लिश कर दी। अब बाबा के लाखों लाखों बच्चे, मिलियंस बच्चे प्योरिटी को अपना कर संसार को बल दे रहे हैं। और हमारा ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य पहली स्टेप, प्योरिटी निर्विकारी स्थिति, और अंत में आत्मा बन जाती है संपूर्ण पावन। निर्विकारिता और पावन स्थिति लगभग समान हो जाती हैं। तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्योरिटी के साथ योग बल भी काम कर रहा है। अकेली प्योरिटी काफी नहीं है, हम सब ने अपनी प्योरिटी को एक स्पिरिचुअल पावर बना दिया है। तो ये संसार को, प्रकृति को बल दे रही है, पुनः सतो प्रधान बना रही है। इसलिए वे ब्राह्मण जिनके जीवन में प्योरिटी एक एंजॉयमेंट है, आनंद का विषय, सुखों की जननी, शांति की माता, वो तो इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान है। लेकिन जो इसको पूरी तरह समझ नहीं पाते, जिनके पूर्व के संस्कार कुछ इस तरह के रहते हैं, उन्हें वो भुला नहीं पाते, नष्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये थोड़ी कठिन लगती है। लेकिन हम अब से और आगे 4-3 बार और जो सेशन चलेंगे, इसको बिल्कुल इजी स्वरूप देंगे। क्योंकि बचपन से ही, जैसे रूपेश भाई ने कहा, मैंने छोटी आयु में ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली थी। एक ऐसे ही सेक्ट से मैं जुड़ा था जिसमें ब्रह्मचर्य आवश्यक था, फिर बाबा का बन गए। तो पता चला अगर योग श्रेष्ठ है तो प्योरिटी एक एंजॉयमेंट है। तो अनेक अनुभव सब हुए जो भी उतार चढ़ाव के होते हैं, और फिर एक स्थिर स्थिति आ गई। तो उन सब के आधार से हम सुंदर डिस्कस करेंगे। हाँ रूपेश भाई, मैं आभारी हूँ सचमुच वेस्ट कोस्ट जोन ब्रह्मा कुमारीज का, जो इस सुंदर विषय को लेकर हम सबके बीच आए हैं। यद्यपि हम सबका विषय है, लेकिन खास चंद्रुद बहन जी, वैशाली बहन जी, उनकी पूरी टीम को एक सुंदर संकल्प आया कि हम इस गहन विषय पर, जो कई बार अछूता रहता है, कई बार मन में प्रश्न तो आते हैं लेकिन लगता है कि कैसे इस प्रश्न को हम सामने रखें, किसके सामने रखें, और साथ ही ये ऐसा विषय है जो खुल के चर्चा में भी नहीं लाया जा सकता, कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सुंदर मंच, प्राता जी हमारे साथ, और बाबा जो हमें एक संपूर्ण निर्विकारी स्थिति की बात कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सूक्ष्मता से इसे समझें। तो इसकी सुंदर सीरीज आज ज्ञान और ब्रह्मचर्य से शुरुआत कर रहे हैं। अनेकों प्रश्न है, कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर आ जाए, अन्यथा साथ तो हमारा बना ही रहेगा। प्रताप जी, पहला प्रश्न जो है वो है कि बाबा प्योरिटी को पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी, जैसा आपने कहा, ये कहते हैं। तो ये जो प्योरिटी शब्द है जिस पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, ये केवल ब्रह्मचर्य ही है या इसके अलावा भी कुछ और? ब्रह्मचर्य से इसकी शुरुआत है, ताकि हमारा देह भान समाप्त होता चले, और बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान देकर सोल कॉन्शियस बनाया है। विशेष प्रैक्टिस बॉडीलेसनेस की, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होने लगती हैं। दूसरी प्रैक्टिस
मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, जिससे हमारे प्योर वाइब्रेशंस पूरी कर्मेंद्रियों को जाने लगते हैं, तो प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, कर्मेंद्रियों को शीतल करना, मन के विचारों को मोस्ट एलिवेटेड करना, बहुत महान बनाना, चित्त को शीतल कर देना, कोई भी ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा कुछ न रहे और चित्त शुभ भावनाओं से भर जाए। बहुत सुंदर बात है जिसको बाबा ने कहा, काम शुभ कामनाओं में शुभ भावनाओं में बदल जाए, ये होगी संपूर्ण प्योरिटी। तो यही प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी रॉयल्टी है, हमारे संस्कारों को रॉयल बना देती है, हमारी पर्सनालिटी में ग्लो एक डिविनिटी ले आती है, इसकी ओर ही हमें चलना है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ज्ञान हमारे इस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में किस प्रकार मदद करता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत सहज करते ब्रह्मचर्य को हमारे लिए? हाँ, ये बात मैं सभी को कहना चाहता था और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ज्ञान बाबा ने भी हमें दिया है और कुछ और अच्छा पहले का ज्ञान भी, दोनों को मिलाकर मैं आप सभी से इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। भोजन से हमारे शरीरों में शक्ति बनती है, 8 चीजें बनती हैं, वो विज्ञान बताता है, मेडिकल साइंस। उसमें जो ये एनर्जी बनती है, ब्रह्मचर्य की एनर्जी, मैं इसको एनर्जी शब्द दूंगा केवल। अब भोजन हम रोज खाते हैं, 2-3 बार खाते हैं, तो एनर्जी उसकी बनती ही जाती है। कोई कहते हैं 40 दिन में, कोई कुछ समय, कोई कुछ समय देते हैं, हर एक के अपने अपने शरीर के अनुसार है। अब ये एनर्जी तो बढ़ती जाती है, तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या सोच लिया था कि काम वासना तो एक एपिटाइट है, भूख है, इसको तो तृप्त करना ही पड़ेगा, इस भूख को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकेंगे आपके ब्रेन पर बुरा असर आएगा, ये एनर्जी बढ़ जाएगी तो ब्रेन पर प्रेशर डालेगी, बहुत लोग पागल हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में, विशेषकर इंडियन कल्चर में, इंडियन रिलीजन में, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया गया है, जिसको जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो नहीं जानती, कि ये जो शक्ति हमारी बढ़ती है, इसको हम 3 तरह से यूज करेंगे तो ये शक्ति हमारे लिए पावर बनी रहेगी। पहला मोटा रूप है इसका, हार्ड वर्क। जो ब्रह्मचर्य में है उसे सोए नहीं रहना चाहिए, उसे लेजी नहीं होना चाहिए, इसलिए लेजीनेस को भी काम वासना का एक स्वरूप ही माना जाता है। उसे एक्टिव होना चाहिए ताकि जो उसकी एनर्जी है वो चैनलाइज होती रहे, यूटिलाइज होती रहे, एक काम। दूसरा, जो श्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, उसका चिंतन जितना हम करते हैं, इस एनर्जी का विशेष सेकंड मतलब और सुपर यूज हम करते रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति को यदि चिंता लग जाए तो देखो व्यक्ति सूखने लगता है, वेट कम होने लगता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उस निगेटिव चिंता में नष्ट होने लगती है। इसको कहेंगे नष्ट होना, यूज होना नहीं, नष्ट होती है। तेजी से नष्ट होने के कारण ना उसको भोजन हजम होता है, ना उसकी शक्तियां बनती हैं। इसलिए ज्ञान का चिंतन जो बहुत सुंदर चीज है, वो ही शक्ति का रूपांतरण करता है, चैनलाइज करता है इसे, और ये हमें शक्ति कष्ट नहीं देगी, ये बढ़ेगी नहीं, यूज होती जाएगी। और तीसरी बहुत सुंदर चीज, हमारी जो होली बुक्स हैं भारत में, उनमें कईयों में ये लिखा हुआ है कि शक्ति को यदि ऊर्ध्वगामी कर दिया जाए, ये संस्कृत का शब्द है, मींस इफ इट राइजेज अप,
इसको ऊपर ले लिया जाए तो ये ब्रेन में पहुंचकर हमारे ब्रेन को डिविनाइज करेगी। और इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार हम फिजिकल पावर को स्पिरिचुअल पावर में बदल देते हैं। तो इस शक्ति का सबसे बड़ा यूज है इस शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना। जो लोग आप में से चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ये चक्र स्थूल शरीर में नहीं होते। देखिए मेडिकल साइंस इसलिए चक्रों को जानती मानती नहीं, क्यों? उन्हें पता है शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, 8 मेन ग्लैंड। लेकिन यही सूक्ष्म शरीर में चक्रों के रूप में होते हैं। जो कुछ स्थूल शरीर में होता है वही सब सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप से यानी सटिल फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है। तो ये शक्ति नीचे से ऊपर को चलती है। एक एक जो ग्लैंड है, एक एक जो चक्र है, वो इसके सर्टेन पार्ट को एब्जॉर्ब करता रहता है, सोखता रहता है। और ये ऊपर जाकर फिर जब यहाँ क्राउन चक्र में पहुंचती है तो अति डिवाइन पावर बन जाती है, तेज बन जाती है। और ये ब्रेन को तेजस्वी और डिवाइन बना देती है। ये हमें जानना चाहिए। तो इसलिए अगर हम बहुत अच्छा योग करेंगे तो योग से हमारी बुद्धि ऊपर जाती है, तो इस शक्ति का जो एक पुल है वो ऊपर की ओर हो जाता है। और तब हमें ब्रह्मचर्य बहुत इजी हो जाता है। और बाबा ने इसको और इजी बनाने के लिए हमें हमारे पांचों स्वरूपों का ज्ञान दे दिया कि देखो तुम आदि में देवता थे पवित्र, आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, तुम्हारी पूजा हुई वहां भी तुम पवित्र, ब्राह्मण बने तो भी पवित्र, फरिश्ते बनेंगे तो भी संपूर्ण पवित्र। तो ये ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। बाबा ने रियलाइज कराया पवित्रता तो तुम्हारा स्वधर्म है। अब ये मूल्यों में बाबा ने प्योरिटी को पावरफुल और इजी बनाने की बहुत बातें बता दी हैं। लेकिन साकार मूल्यों की बात ये होती है कि 2-3 लाइन कहीं आती हैं, फिर 2-3 लाइन 2-4 मास के बाद आती हैं, फिर 2-3 लाइन और 2-4 मास के बाद आती है। लोग उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाते, एक साथ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आत्मा सुप्रीमली प्योर हूँ ओरिजिनली, अब नहीं हूँ पर ओरिजिनली आई एम सुप्रीम प्योर, आई वाज सुप्रीम प्योर। नाउ बाबा ने शक्तियों को इमर्ज कराया है, प्योरिटी को इमर्ज कराया है, याद दिला दिया तुम बहुत पवित्र थे। हम इसको एक्सेप्ट कर लें। तो ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं जो योग में भी जुड़ी हुई हैं, धारणाओं में भी। जब जब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से मैं एक बात के साथ इस आंसर को समाप्त करूंगा। बाबा ने एक बहुत सुंदर चीज सिखाई जो किसी को नहीं आती, आत्मिक दृष्टि। छोटी सी बात, हमको ज्ञान हो गया सबके अंदर आत्माएं हैं शरीरों में, लेकिन फिर भी अभ्यास के कारण हम शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को देखने लगे तो हमारी प्योरिटी और पावरफुल हो जाएगी। तो ये प्योरिटी के बारे में ज्ञान की बातें। जी जी, जैसे आपने कहा कि बाबा साकार और अव्यक्त मुरलियों में बहुत सारी बातें कहते हैं, सचमुच उनका एक सुंदर कलेक्शन हो, क्योंकि जब भी उन्हें हम पढ़ते हैं तो एक उमंग आता है, एक उत्साह आता है और लगता है कि नहीं सचमुच हम ये कर सकते हैं और ये हम ही तो हैं। पता जी, एक बात मन में आती है, लोगों के प्रश्न में भी है कि यदि पवित्रता की बात ईश्वर इतनी गहराई से करते ही हैं और पवित्रता ही पूरी सृष्टि का आधार रहा है तो ये मेल फीमेल क्यों? यदि एक ही जेंडर होता तो फिर ये आकर्षण वाला प्रश्न ही पैदा नहीं होता और अपवित्रता पैदा ही नहीं होती और हम हमेशा पवित्र ही रहते हैं। ठीक है, एक जेंडर तो सृष्टि में हो ही नहीं सकता, सृष्टि की ब्यूटी नहीं रहेगी। स्त्री पुरुष दोनों का होना ही सृष्टि की ब्यूटी है। और अट्रैक्शन भी एक कॉमन लॉ रहा है सृष्टि का, और अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पर सतयुग में भी गहराई से
देखिए संतान उत्पत्ति एक जेंडर से तो नहीं हो सकती, वो तो दोनों के मिलन से ही होगी। प्यार रहता है, अट्रैक्शन रहता है, भले ही विकार नहीं होते। तो इसलिए दोनों सृष्टि की ब्यूटी हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सदा से और सदा ही रहेंगे। सोचो अगर मेल ही मेल होते, फीमेल ना होती, तो हमारी बहनें हमें कहां से मिलती। एक घर में अगर लड़के लड़के होते, लड़कियां ना होती या लड़की लड़की होती, तो घर की ब्यूटी कैसे होती, संसार आगे कैसे चलता। इसलिए ये तो खेल है, अट्रैक्शन है, इसलिए हमें उसको जीतने की बात करनी है। अट्रैक्शन है, अभी ये अट्रैक्शन हमें सोल टू सोल कर लेना है तो ये अट्रैक्शन भी समाप्त हो जाएगा जी। योगी के रूप में एक उन्नत अवस्था तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम दूसरों को कैसे समझाएं? बहुत गुड क्वेश्चन है, मैंने इसको टच कर लिया है थोड़ा सा। ये सत्य है कि बिना ब्रह्मचर्य के पहले की साधनाओं में भी जिस भी तपस्वी को, योगी को, ऋषि को गहन तपस्या करनी होती थी, वो ब्रह्मचर्य को पहले अपनाता था। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं, लेकिन ये हमारे ब्रेन की, मन की, बुद्धि की, तीनों की खुराक है। हमें योग अभ्यास में मन भी बहुत शुद्ध चाहिए, एकाग्र चाहिए, बुद्धि बहुत डिवाइन चाहिए। अब देखेंगे बाबा की मुरली में एक बात आती है, बिना पवित्रता के ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि रूपी बर्तन में ठहरेगा नहीं। अब बाबा ने तो एक लाइन बोल दी, लेकिन हाउ? तो हमें मन भी बहुत एकाग्र, पावरफुल चाहिए, पावरफुल मन ही एकाग्र हो सकता है। हमें बहुत इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें पावरफुल होना चाहिए। और बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करे, बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है, थर्ड आई भी है, इसके द्वारा हम शिव बाबा को और आत्मा को विजुअलाइज कर पाए। इसलिए बुद्धि बहुत अलौकिक, स्पिरिचुअल, डिवाइन होनी चाहिए। और जब हम योग करते हैं, जैसे मैंने चर्चा की इससे पहले, कि हमारी ये ब्रह्मचर्य की शक्ति चक्रों को पार करते हुए जब क्राउन चक्र में पहुंचती है, तो ब्रेन को डिविनाइज करती है, कैपेबल बनाती है, ताकि श्रेष्ठ बातों को हम याद कर सकें, अपनी मेमोरी को बहुत सुंदर बना सके, केवल शार्प नहीं, बहुत सुंदर। ये मेमोरी सुंदर किसे कहते हैं? ये नहीं हम पिछली गंदगी की बातें याद कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी बहुत तेज है। हम अच्छी बातों को ग्रहण कर सके, बुरी बातों को भूल सके, ये है बुद्धि का असली स्वरूप। तो योग से, ब्रह्मचर्य से हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि, मन, तीनों पावरफुल होते हैं, डिवाइन, अलौकिक होते हैं। और तब हम योग अभ्यास और सरल सरल रूप से कर सकते हैं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो हमारी मन बुद्धि का भटकाव इधर उधर जाएगा, हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी भी डाउन होगी, और योग अभ्यास में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी अच्छी प्योरिटी उतना ईजी योगा जी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था ब्रता जी, आपने इसको साथ में ले लिया कि हमारी मानसिक शक्ति पर ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। जैसे आपने कहा ब्रह्मचर्य से सुंदर भी होता है, क्या शक्तिशाली भी होता है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो मानसिक रूप से विचलित और विक्षिप्त भी हो जाते हैं, तो दोनों बातें दिखते हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कह दी थी। लेकिन हमारे साथ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान है, परमात्म मिलन का सुख हमारे पास है, सुंदर धारणाओं की एक प्रॉपर्टी भी बाबा ने हमें प्रदान की है, और सेवाओं का फील्ड भी दिया है। देखिए कितने सुंदर ये अप्रोच है। एक व्यक्ति घर में बैठा ब्रह्मचर्य पालन करे तो उसका मन विक्षिप्त हो सकता है, माना इधर उधर भटक सकता है,
फिर सारा दिन वो धंधों में रहे, दुनिया को देखे, सोशल मीडिया पे लगा रहे, व्हाट्सएप उठते ही देखे, तो उसका मन भटक जाता है। तो एक तो जो पवित्र बनना चाहते हैं उन्हें इन निगेटिव चीजों से बचना चाहिए। इसलिए बाबा ने सरल शब्दों में कहा, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये सब बातें इसलिए कही कि अगर हम इनमें लगे रहते हैं तो मन जरूर भटकता रहेगा। अब किसी का पास्ट लाइफ अच्छा नहीं था, उसका अट्रैक्शन, उसकी मेमोरी जिसके अंदर रहती है, किसी को ये पवित्रता भारी लगती है। देखिए अंडरलाइन करें कि हमने दबा दिया गया अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को, तो माइंड पर उसका बुरा असर आएगा। और यही हुआ कि अनेक सन्यासी, अनेक ऋषि मुनि भी प्योरिटी को छोड़ गए, क्योंकि वो इस शक्ति को चैनलाइज करना नहीं जान पाए, उनके पास ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार सागर जैसा हमें प्राप्त हुआ है, उसका यदि हम चिंतन करेंगे, और उसके साथ हमारे पास एक दूसरी चीज है ज्ञान की, स्वमान। ज्ञान का चिंतन और स्वमान की प्रैक्टिस हमें ब्रेन की ये जो नेगेटिव चीजें हमें देखने को मिलती है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन जो ब्रह्मचर्य में रहने वाला व्यक्ति नेगेटिव में बहुत रहता है, व्यर्थ में, पर चिंतन में, तेरे मेरे में, उसका माइंड डिविनाइज नहीं हो पाता, उसकी ब्रह्मचर्य की शक्ति इन चीजों में भटक कर नष्ट हो जाती। कई बार ब्रता जी, ज्ञान हमारे पास है, समझ हमारे पास है, हम उसे यूज भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो मन में आने वाले विकारी संकल्प हैं अनियंत्रित हो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो यहाँ फिर क्या किया जाए, क्या ज्ञान यहाँ काम नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुतों के साथ हो रहा है, इसलिए कईयों को गंदी आदतें लग जाती हैं। अभी इस पे वही बात जो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पास्ट हमारा कैसा बीता है, कर्म हमारे कैसे रहे हैं, इस जन्म का भी पास्ट और कुछ पिछले जन्मों का भी पास्ट जिसे हम अब जानते नहीं हैं। किसी के मन में बचपन से बहुत अच्छे विचार होते हैं, समय लेना चाहिए कि पास्ट बहुत सुंदर रहा है, तो किसी के मन में छोटी आयु से ही विकारों के प्रति अट्रैक्शन रहता है, समय लेना चाहिए, उनका जीवन बहुत डर्टी रहा है। तो ऐसे डर्टी लाइफ वाले, डोंट माइंड प्लीज, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, कोई कहेगा क्या कह दिया, मतलब ऐसे खराब जीवन वाले जब ज्ञान में आते हैं तो उन्हें समय अवश्य लगता है इस चीज को अपनाने में, लेकिन उनके पास यदि यथार्थ ज्ञान हो जाए, वो योग का अभ्यास बढ़ा दें, खान पान को शुद्ध कर लें जल्दी ही, बुरी चीज देखना, ये जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, इससे मुक्त हो जाएं और थोड़ी साधना में लग जाएं। क्योंकि साधना की बात मैं कहूंगा, 4 घंटे योगाचार तो अवश्य होना चाहिए। मैं 4 घंटे बैठने की बात नहीं करता, आप 1.5-2 घंटा बैठे सवेरे शाम, बाकी कर्म में ये हायर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रहे, जैसे मैं ईश्व देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम नाम की वासी हूं, एब्सोल्युटली प्योर, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, एब्सोल्युटली प्योर, मैं भगवान की संतान हूं, एब्सोल्युटली प्योर। यदि ये चिंतन में भी रहे, प्रैक्टिस तो थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, परंतु ये चिंतन भी प्योरिटी को बल देता रहेगा। जो लोग ये नहीं करते, बहुतों के साथ क्या होता है, आए, बहुत अच्छा लगा, प्योरिटी की प्रतिज्ञा की, फिर सेवाओं में लग गए हैं, सेवा करनी है बाबा की, करनी तो जरूर है, लेकिन साधनाओं पे ध्यान नहीं दिया। देखिए 4 घंटे योग के बिना, मैं बहुत ओपनली बोलना चाहता हूँ, किसी के लिए भी ये प्योरिटी ब्रह्मचर्य इजी नहीं होगा, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा इससे। इसलिए हमें अपना योग, स्वमान, हायर कॉन्शियसनेस, बॉडीलेसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, ये जो हमारी प्रैक्टिस है,
इनको बहुत बढ़ाना चाहिए, थोड़ा अपने को एकांत का समय देकर चाहे सुंदर गीत सुने चाहे सुंदर चिंतन करें। तो ये जो पास्ट की बुरी आदत है जिससे मनुष्य को एक युद्ध करना पड़ता है, बैटल फील्ड बन जाता है जीवन, ये बैटल फील्ड नहीं एक आनंद का सुंदर गार्डन बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत केस आते हैं लोगों के, बड़े बूढ़ों के भी आते हैं, छोटों की बात तो छोड़ो, युवकों के भी आते हैं, गृहस्थियों के भी आते हैं। पुराने संस्कारों को हमें 5 स्वरूपों के अभ्यासों से समाप्त करना है और योग के द्वारा नई शक्तियां भरकर जो भी व्यर्थ है, जो भी क्रिटिकल चीजें हैं, जो मन में युद्ध लाती हैं, जो फिर से विवश करती हैं इम्प्योरिटी की ओर, उनके लिए पानी है। सुंदर प्रकाश हम सभी के लिए कि बैटल फील्ड नहीं लेकिन ब्यूटीफुल गार्डन बना लें हम अपने इस जीवन को, और सुंदर ये अभ्यास हमें उस ओर लेके ही चलेंगे। ज्ञान पर आज चर्चा है, योग पर भी हम आएंगे कि ब्रह्मचर्य और योग कैसे कनेक्टेड है, तो एक सुंदर सीरीज और सुंदर चर्चा है जो सचमुच बेहद अमूल्य है हम सब के लिए। अगला प्रश्न जो है व्रत जी, वो ये है कि जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पवित्र होते हैं, तो वास्तव में हम और अधिक आकर्षक लगने लगते हैं, और लौकिक लोगों की दृष्टि तब केवल हमारे शरीर पर ही जाती है, वे अक्सर इस आकर्षण को यौन आकर्षण के अलावा और कुछ नहीं समझते, तो इस ओर ध्यान कैसे दिया जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये यौन आकर्षण, इंग्लिश वाले इसको समझेंगे, जब मनुष्य यंग होता है तो उसके चेहरे पर एक दूसरा ग्लो भी होता है जो उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स का होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बहुत अच्छा योगी बनता है तो उसके चेहरे पर एक स्पिरिचुअल ग्लो होता है, उससे भी पहले वाले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित करने वाला, ये सत्य है। मैंने अपने जीवन में एक सुंदर सिद्धांत बनाया था, ये एक छोटी सी कहानी सुनी थी बचपन में, सुना देता हूँ, याद रहेगी आपको भी। कहीं विदेश में एक बहुत सुंदर नर्स थी जो बहुत सेवा भावी, बहुत स्वीट पोलाइट भी थी। वो घूमती थी तो सब और उसकी ओर अट्रैक्ट होते थे, लेकिन लास्ट में लिखा था एक लाइन में, वो किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होती थी। वहां से मैंने सीख लिया, बचपन की बात है मेरे, इंग्लिश की ये एक लेसन आता था। तो मैंने सोच लिया कि जैसे जैसे हम ग्रेट बनेंगे, हमारी प्योरिटी का आकर्षण हमारे चेहरों पर आएगा, तो संसार हमारी ओर आकर्षित होगा, लेकिन हम किसी की ओर नहीं होंगे। एक सुंदर संकल्प ले लिया, हम भी देखते हैं ये आकर्षित होते हैं लोग, लेकिन हम नहीं होते। ये संकल्प हमें बहुत बल देता है। दूसरी चीज, आपने बाबा की एक बहुत गहरी बात सुनी होगी, एक दो बार ही आई है इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं, कि अगर तुम्हारी ओर किसी का इम्प्योर अट्रैक्शन होता है तो इसमें भी तुम्हारी गलती है कुछ, तुम्हारी इम्प्योर वाइब्रेशंस उनको टच कर रहे हैं। जिस दिन तुम प्योर वाइब्रेशन से भरपूर हो जाएंगे तो तुम्हारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों की इम्प्योरिटी को नष्ट करने लगेंगे, तुम्हारे सामने आते ही उनका दूषित चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे बाबा उदाहरण देते थे, मंदिरों में देवियों के चित्र कहीं कहीं बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी को देखकर सभी नमन करते हैं, देखते ही रह जाते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान भी रहना है और अभ्यास भी अच्छे करने हैं। कोई पीछे ही पड़ जाए ये भी ठीक है कि कोई पीछे ही पड़ जाए, तो आप बाबा के पीछे पड़ जाएं, बस उसको बुला लें, उसका आह्वान कर लें, वो मेरी छत्र छाया है इसमें स्थित हो जाएं, तो पीछे पड़ने वाले हाथ मान जाएंगे। कई बार बात है जी, इस ये चीज समझ बहुत ही क्या कहें, एक सूक्ष्म है कि हमें लगता है कि चलो हम इनका कल्याण करें, इन्हें भी सद्मार्ग में लगाएं, लेकिन ये धीरे धीरे एक आकर्षण के रूप में या एक लगाव के रूप में सूक्ष्म रूप से धागा बन जाता है, इसे कैसे ठीक करें? ठीक कहा, क्योंकि ये केस
होते रहते हैं। इसमें भी एक सटल बॉडीली अट्रैक्शन पहले से ही काम करता है कि कोई जिज्ञासु आया है और बहन की ओर अट्रैक्ट हुआ है। अब बहन सोचती है मैं इसे रिजेक्ट करूं तो ये आना छोड़ देगा, इसका कल्याण नहीं होगा, इसलिए इसके कल्याण के लिए और उसको प्यार देती है अच्छी तरह से और जो भी उसको अच्छा ज्ञान देना देती है। लेकिन कभी कभी अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। हमारी जानकी दादी इसमें बहुत अच्छी बातें सुनाया करती थी, बड़ी स्ट्रिक्ट रही है। ज्ञान देना अलग चीज है, प्यार देना अलग चीज है, लेकिन हमें किसी की ओर झुकना नहीं कि हमें इनका कल्याण करना है। ये संकल्प भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लगे कि अट्रैक्शन है। अगर आप नहीं छोड़ते तो इसमें समझ में आएगा कि आपका अट्रैक्शन भी था। इसलिए हमें आत्मिक दृष्टि बना लेनी चाहिए। बिना आत्मिक दृष्टि के तो हम दूसरों का कल्याण भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम किसी की ओर अट्रैक्ट हो गए तो हमारी कल्याण की भावना दूसरों का कल्याण ही करेगी। ये याद रखना। पूरा ज्ञान, पूरी समझ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मन या आंखें किसी भी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं, तो क्या करें और इसे क्या समझें? कोई हिसाब है उनके साथ? हाँ, ये भी बड़ा क्वेश्चन है और होता है प्रैक्टिकल में, इसलिए क्वेश्चंस भी आता है। कभी कभी पूर्व जन्मों के ऐसे हिसाब भी होते हैं। दुनिया में भी आप देखेंगे, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, भले ही वहाँ इंप्योरिटी की बात नहीं, हमसे बात करेंगे, अच्छे स्नेह का लेन देन होगा, और किसी व्यक्ति को देख के रिजेक्ट, नफरत, इसे तो बात भी नहीं करे, भले वो कितना सुंदर भी हो, ये नहीं वो कोई काला ही होगा सुंदर भी हो, लेकिन मन ही नहीं करता, क्योंकि पूर्व जन्मों की भी कुछ शत्रुता रहती है। ये सत्य है कि पूर्व जन्मों के कारण भी कुछ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए अब हम पूर्व जन्मों के हिसाब किताब समाप्त करने आए हैं। अब हम एक स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं जिसमें हमें शिखर पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है। इसलिए पूर्व जन्मों में यदि कोई हिसाब किताब थे तो हम उसे योग बल से, आत्मिक दृष्टि से नष्ट करेंगे और अपने इस लक्ष्य को नहीं भूलेंगे कि हम ईश्वरीय मार्ग पर आए हैं, हमें भगवान का साथ मिला है। अगर ये एक बार छूट गए तो दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये याद रखते हुए हमें अपनी प्योरिटी को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को किसी के कल्याण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान देने की बात है। और अगर हम बॉडीलेसनेस का और आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो भले ही अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हम लोवेस्ट स्टेज से अब हायर स्टेज की ओर चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कोई हम एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगे किसी सब्जेक्ट में, इट कैन टेक टाइम और इट विल टेक टाइम, लेकिन हमें बचते चलना है, स्वयं को स्वयं बचाते चलना है। हमें बचने का लक्ष्य होगा और याद रखेंगे हमारा डेस्टिनेशन तो ये है, तो फिर ये सब चीजें होते हुए भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जी व्रते जी, ये मन की ही बात को मैं लूंगा। यद्यपि आपने कहा कि बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, आंखें अब कई चीजें दिख भी जाती हैं तो वो चिंतन में आ जाता है। कुछ ऐसे समय होते हैं, मान लीजिए किसी के सोने का टाइम होता है, वो गया तो मन में इस प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। कोई एक खास टाइम होता है, कुछ हमने देख लिया, कोई पास्ट की बात याद आ गई, तो वो जो मन में एक संकल्पों का तूफान शुरू होता है, उसे कैसे नियंत्रित करें? वेरी गुड क्वेश्चन है ये, और इससे बहुत लोग गुजरते हैं। बाबा ने एक चीज कही थी, मैं इस क्वेश्चन के आंसर के शुरू में वो बता देना चाहता हूँ आपको। अब विशेष रूप से ये घटनाएं हो रही है। बाबा ने कहा था, जैसे जैसे एंड समीप आएगा तो सभी आत्माओं के इम्प्योर संस्कार, किसके लोभ के संस्कार, किसके मोह अहंकार के संस्कार, किसके ईर्ष्या द्वेष के संस्कार, या जन्म जन्म के विकर्ण, दोनों संस्कार और विकर्ण दोनों जागृत हो जाएंगे।
एक्टिव हो जाए, और ये एक्टिव होंगे ब्रेन, क्योंकि जो मनुष्य के मन में है, जो बुद्धि में है, वो फिजिकल रूप से ब्रेन में प्रिंट होता है सटल वेव्स के रूप में। तो अब ये बात हो रहा है कि जैसे मनुष्य सोने जाएगा और उसने को देखा, कुछ सुन लिया, तो वो उससे जैसे कैटलिस्ट का काम करेगा, उसको उत्तेजित करेगा और हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, इंप्योरिटी है, वो एक्टिव हो जाएगी और फिर सोने नहीं देगी। ऐसे समय आप बेड पे लेटे ना रहे, अगर पॉसिबल है कमरा छोड़ के बाहर आ थोड़ा, और पॉसिबल नहीं है तो बेड से उठकर अपनी चेयर पर दूसरी जगह बैठे, थोड़ी मुरली पढ़ने 5-7 मिनट बाबा का आह्वान करें, कोई सुंदर सॉन्ग जो आपको प्रिय लगता हो, आपको खुशी देता हो, उसको बजा लें। 15-20 मिनट आधा घंटा सुंदर स्थिति में बिताएं तो इसका इफेक्ट समाप्त होता है। लोग क्या करते हैं, लेटे रहते, करवटे बदलते रहते, वो विचार हावी होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं, और फिर उन विचारों का प्रभाव आपको उठने भी नहीं देता, सोने भी नहीं देता, जगने भी नहीं देता, अच्छी तरह से जागना मुश्किल हो जाता है। तो विधि अपनानी चाहिए, अगर आपके पास मकान है, जगह है, छत पे चले जाओ, बाहर गैलरी में बरामदे में आ जाओ और अपने विचारों को चेंज फैमिली सुनकर, आजकल तो सबके पास फोन में ही सब कुछ है, कोई अच्छी क्लास सुन लें, अच्छी वाइब्रेशन फिर से अपने में भरें, 500 रूपों का अभ्यास कर ले, और कुछ भी नहीं आता आपको 5 बार 5 स्वरूपों को याद कर ले, तुम क्या थे, कौन तुम्हें साथ दे रहा है, भगवान तुम्हारा गुड फ्रेंड बनकर आ गया है, तो उसने कहा है तुम बेटी को जीत दो, विजय मेरी ही होगी, विजय रत्न हो, बाबा ले जाओ इन सब को, ले जाओ फेंक दो ऊपर, ऐसे ऐसे अभ्यास कर लो, ठीक हो जाए। जी, बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है अमृता जी की, बाबा ले जाओ, ले जाते तो कितना मजा आ जाता, लेकिन वो शायद लेने के लिए आते हो, हम ही नहीं देते। तो ये एक प्रश्न है अमृता जी, कई बार हम खुद उसे एंजॉय करने लगते हैं, उन संकल्पों को सस्टेन करने लगते हैं, मतलब आया पहले तो लगता है कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, फिर धीरे धीरे हम उसे एंजॉय करने लगते हैं ऐसा लगता है, तो वो और ज्यादा हमारी आदतों में संस्कारों में शामिल होने लगता है। कुछ लोगों के साथ हो रहा है, बहुत लोग भारत के थोड़े कम और विदेशों के जब मेरे पास आते थे तो कहते कोई कोई यूज करता था, आई एंजॉय सोरो, मैं बड़ा सोचता था कि देखो दुख में रहने की भी इनकी आदत पड़ी। इसी तरह से कुछ लोगों में जिनको इम्प्योरिटी ज्यादा रही है, तो चलो फिजिकली वो प्योर हो गए लेकिन उन विचारों को एंजॉय करने उन सीन्स को एंजॉय कर सकते हैं। इससे क्या है, धीरे धीरे वो इंप्योरिटी और वो निगेटिव थॉट्स हावी हो जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे और फिर आपको अपना मार्ग छोड़ देना पड़ेगा प्योरिटी का। इसलिए जो मैंने कहा, अलग हट जाए वहां से, सुंदर विचार क्रिएट करें। मैं जानता हूँ उस टाइम सुंदर विचार क्रिएट करना सहज नहीं होता, इसलिए कोई क्लास मिले आपको, आपको प्रिय लगे, कोई सुंदर सॉन्ग सुने, या बहुत अच्छा है हमारे पास बाबा की मुरलियों के पॉइंट्स आप रखते होंगे लिखकर, 5 मिनट पढ़ लो तो विचार बदल जाए, वातावरण बदलना है हमें, तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, उसको एंजॉय न करें, अब उसको जहर समझ। बाबा ने बहुत अच्छा कड़ा सब दिया था, विष है ये, विष के समान, पॉइजन के समान है। अभी हम जो मार्ग छोड़ चुके हैं उस मार्ग की तरफ जाना भी क्यों, देखो जो व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर चल रहा हो और बार बार पीछे मुड़कर देखता हो तो वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। मंजिल मुड़कर देखने में रुक भी जाते हैं कई लोग, तो मंजिल तो बहुत दूर होती है। इसलिए छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपने से बातें करते रहो रोज, नाउ दिस इज माय लाइफ, वो मेरा लाइफ में पूरा हो गया, वो पिछले जन्म का लाइफ था। तो विचार विचार को काटेंगे,
जी जी मतलब सुंदर विचारों से हमें आगे बढ़ना ही होगा। दादी जानकी जी भी कहते थे ना कहीं लटको ना कहीं चटको ना कहीं अटको, तो ये हम मंत्र दादी के ऐसे समय पर याद कर लें। शरीर में कई बार जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो भी मन में विकारों की इच्छा उत्पन्न होती है, और देखा जाए तो ये बहुत नेचुरल सी भी बात है। इस नेचुरल प्रोसेस को क्या कंट्रोल किया जाना चाहिए? मेडिकल बात भी है और मैं सभी को राय दूंगा कि विशेषकर बहनों के शरीरों में जो चेंज आती है के बाद, तो होम्योपैथिक दवाई उसमें बहुत जबरदस्त काम करती है। एलोपैथी वाले तो आपको कह देंगे तो नेचुरल है, चलेगा 2-4 साल, लेकिन नहीं, हर चीज की मेडिसिन। मैं मेडिसिन के बारे में आपको एक चीज कहूंगा, हमारे यहाँ एक बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलकर निष्कर्ष निकाला है पहले कि कोई भी थेरेपी परफेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी सभी थेरेपी मिलकर एक साथ काम करें तो शायद हम संसार के सभी रोगों पर विजय पा सकते हैं। तो ऐसे में पानी को चार्ज करके आप पिएंगे, पानी लें और उसको दृष्टि दें, उसमें संकल्प दें 7 बार, आई एम सुप्रीमली प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे हार्मोन्स बैलेंस में है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे हार्मोन्स बैलेंस में है, 7 बार करके दीजिए तो बहुत अच्छी मदद मिलेगी। हिम्मत का काम होता है, मैं जानता हूँ बहुतों के अनुभव से, बहुत हिम्मत का काम होता है, मनोबल बहुत ज्यादा चाहिए, फिर एक दूसरे के गुड फ्रेंड भी बन जाने चाहिए। गुड फ्रेंड समझ रहे होंगी बहनी मेरी बात को, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करें, उसको मदद करें, और अगर आप ब्रेन को एनर्जी भी देने लगे तो भी बहुत बल मिलेगा। जो हम सिखाते हैं दोनों हाथ मरे थे, मैं मास्टर सर शक्तिवान का अभ्यास करके दोनों हाथ सिर पे रखेंगे, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो हार्मोनियल बैलेंस बहुत अच्छी तरह रहेगा और आपको कष्ट जी। कई बार ये भी होता है कि कोई अश्लील पिक्चर ना चाहते हुए भी चलते फिरते हमारे सामने आ जाती है, मोबाइल हो या फिर हम नेट यूज कर रहे हो या टेलीविजन पे हो, तो तुरंत ही मन उस दिशा में जाने लगता है, संकल्प भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो ऐसे में जब हम संसार में ही हैं, चारों तरफ ये चीजें हैं, अंदर जा रही हैं, तो संकल्प जो चल पड़ते हैं वो ना चले कोई युक्ति नहीं? बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि किसी ने देखे भी हैं और किसी के एक्टर एक्ट्रेस भी होते हैं, देख ही लेते हैं, अभी कोई आंखें बंद तो नहीं की जाएगी। मैं देखिए अपने लिए इसमें एक संकल्प करता हूँ, हालांकि मैं तो ज्यादा देखता नहीं, मैं तो टीवी में पिक्चर फिल्म देखी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं टीवी चल रहा है तो देख लिया, तो मैं सोचता हूँ ये मेरा जीवन नहीं, दिस इज नॉट माई लाइफ, ये इनका है, ओके, उनको अपना जीवन एंजॉय करने दो, हम अपना जीवन एंजॉय करेंगे। कोशिश तो करनी चाहिए कि हम जानबूझकर ये चीज ना देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल कर कह देना चाहता हूँ कि युवक और कई थोड़े बड़े भी अपनी इम्प्योरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी चीजें देखने लगते हैं, समझ जाएंगे आप इम्प्योरिटी को सेटिस्फाई करने, लेकिन फिर वो इम्प्योरिटी बढ़ने लगती, इसलिए इनसे इम्प्योरिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, वो तो सेटिस्फाई होगी हार्मोनिक ड्रग्स से, वो तो सेटिस्फाई होगी स्पिरिचुअलिटी से, चैनलाइज काम वासना को हम दूसरे रूप में टर्न करते हैं। इसलिए सभी को कोशिश करनी चाहिए कि दिख जाए तो संकल्प करेंगे हमारा ठीक है, संसार में करोड़ों लोग, 99% लोग तो इसी में जी रहे हैं, लेट देम लिव, लेकिन हम इसमें जिए तो अपने संकल्पों की जो दृढ़ता है और एक स्थिर डिसिप्लिन जीवन के, मैं ये भी बोलूंगा कि मनुष्य को अपने जीवन के स्थिर डिसिप्लिन भी बना देनी चाहिए, प्योरिटी के संबंध में कम से कम 5, ये हर एक को खुद बना, भाई हम ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, देख लेंगे तो ये नहीं सोच, हम ऐसे लोगों का समय नहीं करेंगे,
हमारा मार्ग वैसा है, देखिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग वैसा है जिसमें अब हम संसार को मदद करें, बहुत बड़े काम हमें करने हैं अगले 10 सालों में, टाइम आ गया है। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी की पावर बढ़ाते चलना है। ये तो सारा संसार कर रहा है, हमें सारे संसार को फॉलो थोड़ा ही करना है, संसार हमें फॉलो करेगा। पूर्वज हम है, ग्रेट हम है, ये संकल्प और 5 को डिसिप्लिन आप अपने लिए रखें तो इसमें। चलिए होमवर्क हम सबको मिल गया है, हम लोग बहुत गहराई से गहराई में उतर रहे हैं, मुस्कुराते हुए गहराई में उतरे हैं सभी, क्योंकि ये हमारे जीवन में मुस्कान लाने वाली चीज है। पवित्रता है तो महानता है, पवित्रता है तो जीवन में खुशी और मुस्कान है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए सभी कुछ चेहरे गंभीर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंतन की गंभीरता हो, लेकिन साथ ही इस सुंदर धारणा के लिए मुस्कान भी हमारे जीवन में जरूर हो। दाता जी जब ये बात कह रहे थे तो मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी, जगदीश भाई जी से किसी ने पूछा कि कुमारों की भट्टी थी शायद, उसे कहा कि भाई साहब हम वो फील्ड में रहते हैं, क्या करें आजकल बहने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो उधर ध्यान चला जाता है। तो भाई साहब ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, जिसे हम अपनी धारणाओं में, जिसकी बात भ्राता जी कह रहे हैं डिसिप्लिन के रूप में, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर हैं, संसार में हैं, कौन क्या पहनता है इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, देखें लेकिन ध्यान से ना देखें। देखना और ध्यान से देखना दोनों में बहुत अंतर है, इसे आप समझ सकते हैं। फिर देखना, मुड़ मुड़ के देखना तो जरूर दाल में कुछ काला है, राइट? तो ये कालापन हम दूर करें और अपने आप को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। व्रती जी, कहीं ना कहीं स्वप्न में भी यदि पवित्रता खंडित होती है तो क्या करें, क्योंकि कई बार विकारी स्वप्न आ जाते हैं और हमें लगता है कि अब जो हमारी पवित्रता है वो खंडित हो गई। जो बाबा कहते हैं स्वप्न और संकल्प तक भी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, तो फिर यहाँ क्या किया जाए, मन को कैसे शांत करें? बहुत अच्छी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात आपने की है, क्योंकि ये जो निगेटिव और इम्प्योर स्वप्न है ये हमारी एक लंबी साधना के बाद ही समाप्त होते हैं। मैंने अपने जीवन की लंबी यात्रा में इसको खूब अनुभव किया, पहले 20 साल कभी कभी आ जाते थे लेकिन अब से 25-30 साल से फिर कभी नहीं आए। जब हम साधनाओं के मार्ग में आगे बढ़ते हैं पाते हैं कुछ हो भी जाए स्वप्नों में, उसको आप इम्प्योरिटी का खंडन मान कर निराश। हमारे यहाँ हमारा साथी एक डॉक्टर था, वो कहता था अरे ठीक है गंदगी है बाहर निकल गई तो देख लिया, छोड़ो ना सफाई हो गई, सवेरे उठ के अपने को फ्रेश कर लो, ना धो लो, अच्छे विचार पैदा कर लो। तो विचारों को थोड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है वो बाबा जो बात कहता है वो हमारी एक बहुत सुंदर स्थिति जो होगी नियर कंप्लीट स्थिति, जब हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे उससे कुछ समय पहले से इस चीजें क्लीन हो जाएंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति मार्ग में चल रहा है, प्योरिटी का मार्ग एक लंबा मार्ग है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई ये ना सोचे कि वो 1-2 साल में पूर्ण हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है श्योर है होता है, तो हम निराश ना हो, हम निरंतर आगे बढ़ रहे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप इसको अपनी हार भी मानते हैं, हालांकि हार है नहीं, हार से विजय का मार्ग सीख लेना तो वो हार नहीं वरदान में बदल जाती है। बार बार हार कर भी जो मनुष्य हार नहीं मानता उसे माया या कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए सोने से पहले 2 चीजें मैं कह रहा हूँ, 5 स्वरूपों का बहुत अच्छा अभ्यास करके सोए, इसमें आप 10-15 मिनट लगाएं, और पानी को मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस संकल्प से चार्ज करके पिएं। 2-3 बार भी पी लें सोने से पहले, थोड़ा आधा गिलास उससे कम, तो इन सब चीजों का इफेक्ट हो जाएगा और अपने चारों ओर एक पवित्र ओरा बनाकर सोएंगे। बेड के चारों ओर भी ओरा बना दें, अपने चारों ओर भी बना दें, और उसकी विधि है मैं
पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अगर आप लेटे हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। चाहे बैठ के बना लें, चाहे लेटे लेटे बना लें। सात बार याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और मेरे से पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही है, और मेरे चारों ओर भी ओरा बन गया आभा मंडल, और बेड के चारों ओर भी आभा मंडल बन गया, हाउस के चारों ओर भी आभा मंडल बन गया। तो कोई भी थ्योरी थी, थोड़े दिन में आपको लगेगा आपको टच नहीं करती। बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है बेहतर, सचमुच नींद में ये बहुत आनंददायी स्थिति हमारी हो सकती है। क्या इसमें भोजन का भी कोई प्रभाव है? कई बार कहा जाता है रात को आपने दूध पी लिया, कुछ गरिष्ठ भोजन कर लिया, या कई बार ये नहीं भी करते तो भी हो जाता है, लेकिन क्या भोजन का भी इसमें कोई रोल है? इसलिए योगियों को रात को हल्का भोजन करना चाहिए, फुल भरा पेट भी नहीं, 2/3 भोजन ही खाना चाहिए, 1/3 खाली रख देना चाहिए, और खाने सोने से 2.5-3 घंटे पहले अवश्य खा लेना चाहिए। लाल मिर्च खाना बहुत, बहुत तीखे भोजन खाना, गरिष्ठ जिसे कहते हैं, बहुत गर्म दूध पी लेना। दूध यदि आपको पीना ही है तो थोड़ा ही पिएंगे, और वही भोजन सोने से बहुत पहले पी लेंगे, तो फिर ये शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि जितने हम लाइट हैं रात को, उतनी नींद भी हमारी साउंड होगी, गहरी होगी, और गहरी नींद का और सपनों का भी बहुत संबंध है। हम अनेक बैड ड्रीम्स से भी मुक्त रहेंगे। इसलिए भोजन पर सात्विक भी हो, कम भी हो, सोने से बहुत पहले। कई लोग रात को देर से खाते हैं और खाते सो जाते हैं, उनमें इम्प्योरिटी भी बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी, इसका बहुत ध्यान रखना है। जी, प्रीति जी, कई बार कर्मेंद्रियों से तो नहीं, लेकिन मन से यदि हम अपने किसी प्रिय को स्पर्श करते हैं या किसी के स्पर्श को खुद फील करते हैं, कभी कभी स्वप्न में भी वो हमारे इस रूप में आ जाते हैं, तो क्या ये हमारी पवित्रता को खंडित करने वाली? देखिए, पवित्रता को खंडित करने वाली तो नहीं है, क्योंकि लंबे समय का वो कॉन्शियसनेस है और इन चीजों में लोग रहे हैं, तो इसलिए इसको इतना ज्यादा सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि इस स्पर्श के साथ साथ मन भी इंप्योरिटी की ओर। एक स्वस्थ संबंध में सेक्स मुख्य बात नहीं होती, लेकिन संबंध में निकटता और प्यार गले लगाने से या हाथ पकड़ करके भी अनुभव होता है, तो क्या ये सब भी रोकने की जरूरत है? नहीं, ऐसा देखो, हमें सूखा तो नहीं मिलता कार में, कई लोग आते थे और ये पूछते थे, ऐसे हमें सूखे सन्यासी नहीं बनना है, भाई बहने भी तो गले मिल लेते हैं। बस सोचना ये है कि इंप्योरिटी हमारे अंदर कहीं ना हो, प्यार रखना, शुद्ध प्यार, आत्मिक प्यार जीवन के लिए परम। कई बार बाबा कहते हैं कि भागी पहनना, यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है, वो इंप्योरिटी की दृष्टि से जो ऐसे हक करते हैं दूसरे को, वो गलत। जी, तो स्पर्श शुद्ध हो, सात्विक हो, या स्नेह के भाव से जुड़ा हुआ हो, वो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि कहीं हमें लगता है कि नहीं ये इम्प्योर फीलिंग पैदा कर रहा है, तो वहां से हमें अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। पवित्रता और ब्रह्मचर्य एक यात्रा है और कुछ भी दबाया नहीं जाना चाहिए, इसे योग और ज्ञान के माध्यम से परिवर्तित किया जाना चाहिए, जैसे आपने कहा। इसलिए इस यात्रा के दौरान अगर किसी को यौन इच्छा महसूस होती है, तो क्या उन्हें उन ऊर्जाओं को छोड़ देना चाहिए? क्या सेक्स के बजाय हस्त मैथुन में कम बुराई है? यह चैलेंज खासकर युवाओं के सामने आते हैं। आता है, इसलिए बहुत सारे लोग मास्टरबेशन में लग जाते हैं, लेकिन वो गलत है, उससे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है। इसलिए अपने अच्छे योग के द्वारा इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और मैं इसके लिए, अब टाइम हो रहा है तो मैं एक लास्ट बात ही कहना चाहता हूँ रुपेश भाई जी। सवेरे जब हम उठें, उठते ही पहले 3 मिनट में ही करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, 10 मिनट तक रहता है, लेकिन पहले थॉट्स आपको याद रहे, एकदम पहला थॉट हमारे लिए अमृत के समान है, वरदान के समान है,
इसलिए आंख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, फील किया बाबा मेरे साथ है, और संकल्प करेंगे मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ विद गुड फीलिंग, विजयी रतन हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। इसी सीक्वेंस से ये संकल्प 5 बार कर लें तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विजयी रत्न हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, फरिश्ता हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। तो प्योरिटी, क्योंकि आत्मा में प्योर संस्कार भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल 2500 साल हम देखा रहे, वो संस्कार जो दब गए हैं वो जागृत हो गए और हमारी प्योरिटी को नीचे बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी। प्रश्न तो ज्ञान युक्त प्रश्न बहुत सारे हैं और चाहेंगे कि अगली बार जरूर इन प्रश्नों को लें, क्योंकि बहुत ही गहन हैं, सूक्ष्म हैं, प्रैक्टिकल हैं, और जब आपसे हमें वो प्रकाश मिल रहा है तो लग रहा है कि सचमुच ये चीजें अब हमारे लिए सहज होती चलेंगी। तो प्रश्न आपके अभी भी हमारे पास शेष हैं और प्रता जी तो हमारे साथ हैं ही, अगली बार जब हम सब मिलेंगे तो आपके अन्य जो प्रश्न हैं उनकी भी सूक्ष्मता और गहराई में चलेंगे। तब तक आज हमें जो प्रकाश मिला है उससे हम खुद को प्रकाशित करें, उस पर गहराई से चिंतन करें, एक सुंदर और श्रेष्ठ संकल्प जरूर लें कि जिस सुंदर पारसमणि पवित्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं उसे हमें संपूर्ण रूप से धारण करना ही करना है। एक यात्रा है, यद्यपि उतार चढ़ाव के अनुभव भी होंगे, लेकिन हमें कहीं हारना नहीं है, कहीं दिल शिकस्त नहीं होना है, कहीं थक कर बैठ नहीं जाना है। लेकिन जब परमात्मा पिता, जैसे भ्राता जी ने कहा, साथ है, उनकी मदद है, उनकी शक्ति है, तो निश्चित रूप से हम इस कार्य को सहज रूप से संपन्न कर पाएंगे, उस सुंदर मंजिल पर हम जरूर पहुंच पाएंगे। तो पुनः हम सब मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।